एसपी दुर्ग के संज्ञान में आने के बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते। पास्को एक्ट में सीधा प्रावधान है इसमें कि आपको पहले एफआईआर रजिस्टर करना है, उसके बाद जांच करना है। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। बहुत बेशर्मी के साथ एसपी दुर्ग ये कहते हैं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है और पालक भी एफआईआर नहीं चाहते। जिसके कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी है वही सारे लीपापोती कर रहे हैं, कभी पालक, कभी अधीक्षक, कभी जज बनने की कोशिश और कभी गुंडा बन के आपको धमकाने की कोशिश। मैं उस दिन भाषण में जो 24 तारीख के जो भाषण में गुंडा शब्द प्रयोग किया था एसपी के खिलाफ, वो इसी कारण से किया था। भुसौर में एक महिला के साथ 12-12 लोग एक साथ गैंगरेप करते हैं, कोरबा में गैंगरेप हो जाता है, अंबिकापुर में गैंगरेप हो जाता है, कवर्धा में गैंगरेप हो जाता है। प्रतिदिन आप मित्रों को मैं धन्यवाद दूंगा, पूरे छत्तीसगढ़ के जागरूक पत्रकारों को। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन ये प्रकार की इस प्रकार के समाचार हमको देखने को नहीं मिलता। लेकिन जिस प्रकार से एसपी ने उसको काउंटर किया और सब मामला रफा दफा कर दिया, दबा दिया और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया को भी और जो अधिकारी सही मामले को उठा रहे हैं उसको भी डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे आदरणीय भूपेंद्र जी ने कहा कि माननीय पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं कि हमने जांच कर लिया, प्रेस को धमकाते हैं कि आप इस तरीके से अगर न्यूज देंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। इस देश में लोकतंत्र है, किसी के धमकाने और डराने से न प्रेस डरने वाला है न लोकतंत्र में काम करने वाले डरने वाले हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम। सवाल अभी भी कायम है, क्या भिलाई डीपीएस में 5 साल की बच्ची के साथ में अनाचार हुआ था? सवाल बड़ा है, सवाल का जवाब अभी तक किसी को नहीं मिल पाया है। मामला ठंडे बस्ती में चले गया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस विषय पर दोबारा बातचीत शुरू कर दी है और इस मामले को ट्रेंडिंग पर लाकर खड़े कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 24 अगस्त को दुर्ग में सभा में इस बात का उल्लेख करते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं और उसके बाद ये टॉपिक फिर से चर्चा में आ जाता है और फिर से वही सवाल होता है, क्या 5 साल की बच्ची के साथ में कोई दुराचार हुआ था? क्या उसके साथ कुछ गंदा काम हुआ था? आपको मालूम होगा इस विषय पर स्कूल प्रबंधन ने और दुर्ग एसपी ने साफ साफ कह दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। स्कूल मैनेजमेंट की ओर से साफ साफ कहा गया कि स्कूल कैंपस में 5 साल की बच्ची के साथ में कोई दुराचार नहीं हुए हैं। जो लोग आए थे, जो पेरेंट आए थे, इस जूनियर विंग के पेरेंट जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, वो लोग प्रदर्शन किए थे, वो प्रिंसिपल से बात करने आए थे, उनका भी वही सवाल था। लेकिन प्रिंसिपल भी उस दिन गोल मोल जवाब देकर पड़ला झाड़ लिए। मामला ठंडे बस्ती में चले गया था। दुर्ग एसपी ने इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है भिलाई डीपीएस में, जबरदस्ती की बातें की जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है। तब उस समय पत्रकारों ने यह भी सवाल किया था कि या इस तरह के साजिश करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तब उन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल इस मामले की जांच की जाएगी। लेकिन अब एक बार फिर से मामला ट्रेंडिंग पर है, फिर से एक बार चर्चा पर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज इस विषय को लेकर रायपुर में कांग्रेस नेताओं के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लगभग आधे घंटे तक इस विषय पर वो अपनी बात रखते हैं, जिसमें उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर जांच हो गई थी तो अपराध पंजीबद्ध क्यों नहीं किया गया, बिना अपराध पंजीबद्ध किए जांच कैसे हो गई, एसपी ने इस पूरे मामले को दबाए क्यों रखा, स्कूल मैनेजमेंट ने भी इस पूरे मामले को दबाए क्यों रखा, और बाद में पत्रकारों से, मीडिया से जो बदसलूकी की गई, जो मीडिया को धमकाया गया, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी कहना है कि मीडिया पर भी दबाव बनाया गया इस विषय को लेकर। लेकिन मामला बेहद संगीन है, बेहद गंभीर मामला है, इसे ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं है। एक तरफ देश में कोलकाता की डॉक्टर के साथ में जो हुआ आपने सबने देखा, जो शर्मनाक घटना हुई, जो जघन्य हत्या हुई उसे भी आपने देखा, उस विषय पर देश में अलग उबाल मचा हुआ है और भिलाई डीपीएस में 5 साल की बच्ची के साथ में जो हुआ उस पर बात जरूर करनी चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। आज आगे आप देखिएगा
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं। इसके अलावा उस सवाल का भी अब आपको जवाब मिल जाएगा कि दुर्ग एसपी को उन्होंने गुंडा क्यों कहा था 24 अगस्त को, इसी प्रकरण में कहा था, लेकिन क्यों कहा था आगे आप इस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फुल वीडियो देखिए। लेकिन ये चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है क्योंकि ये मामला महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तक पहुंचा था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसके लिए अलग से जांच कराई जाएगी। इसके अलावा हिंदू एवं मंच के पदाधिकारियों ने भी प्रदर्शन किया था, आईजी को ज्ञापन सौंपा था। आईजी को ज्ञापन सौंपते उन्होंने भी मांग की थी कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। भाजीमो के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रशांत दत्ता ने भी इस विषय को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने भी यही मांग की थी कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर उच्च स्तरीय जांच की मांग उठ रही है तो जांच क्यों नहीं करा जाती? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यही सवाल उठाया है, अगर जांच की मांग की जा रही है तो जांच क्यों नहीं कराई जा रही है, आखिर क्यों दबाया जा रहा है इस मामले को? आगे आप सुनिए इस विषय को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। इसके अलावा बेहद आक्रामक और तीखे सवाल उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से भी पूछा है, प्रशासन से भी पूछा है, स्कूल मैनेजमेंट से भी पूछा है, इस मामले में चुप बैठने वाले बीएसपी प्रबंधन से भी पूछा है, दुर्ग एसपी से भी उन्होंने सवाल किया है। आगे आप सुनिए इस विषय को लेकर और आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इस मामले में विधानसभा में भी हम लोगों ने 2 दिन तक के स्थगन लाया था, उसके बाद भी लगातार स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक तरफ आदिवासियों को नक्सली बता के इनकाउंटर किया जा रहा है तो दूसरे तरफ मंत्री के जेठ कि किस प्रकार से दादागिरी हो रही है पूरे सारे सोशल मीडिया में आप सब देख रहे हैं, मीडिया में भी वो बात आ रही है। तीसरे तरफ आप रायगढ़ में देख लिए कि एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है, हमारे प्रतिनिधि मंडल वहां जाते हैं उनसे मिलने तक नहीं दिया जाता। तो वहीं जो रेत माफिया है, शराब माफिया है, अब तो राजनांदगांव में अवैध शराब के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो वहीं रायपुर से नजदीक ग्राम दूंदे में शराब माफिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता को पीटा गया, वो न्याय के गुहार लगाने के लिए अनेक जगह गए और नहीं कहीं उसे उम्मीद आश्वासन नहीं मिला, उन्होंने आत्म कर ली। संतोष पटेल नाम का व्यक्ति, आज उसका दसगात्र है, आज या कल है। उसी प्रकार से आप देखेंगे हमारे दुर्ग जिले में किस प्रकार से मुझे जेट सुरक्षा प्राप्त है और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित बजरंग दल के गुंडे बिना कोई सूचना के, बिना कोई कारण के मुझे रास्ता रोक लेते हैं। मतलब उनकी दुस्साहस इतनी बढ़ गई, हम किसी भी रोक सकते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि एसपी और थानेदार भी उन गुंडों से डरते हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी, राजधानी में है कितने चाकूबाजी हो रही है, गोली चल रही है, इसके बारे में आप सबको पता है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय, आज से लगभग 2 महीना पहले डीपीएस में डीपीएस भिलाई, डीपीएस कहने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ये स्कूल भिलाई स्टील प्लांट के मैनेजमेंट के द्वारा संचालित है, पूरा इसका मैनेजमेंट भिलाई स्टील प्लांट की देख रेख में होता है। इसके जो चेयरमैन हैं वो भिलाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी वो उसके हैं और भिलाई के जो प्रमुख आला अफसर उसके सदस्य हैं। सीबीएसई कोर्स है और सीबीएसई कोर्स जहां संचालित है तो वहां ऐसे किसी व्यक्ति को प्रिंसिपल नहीं बनाया जा सकता या उसे एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता उम्र होने के बाद, यदि वो नेशनल अवार्डी ना हो। लेकिन वहां जो प्रिंसिपल है उसको एक्सटेंशन दिया गया है भिलाई मैनेजमेंट के द्वारा बिना कोई
रहता के दिया गया है, मिस्टर प्रशांत वशिष्ठ उसको एक्सटेंशन मिला हुआ है, वहां की घटना है। वैसे कई बार वहां उस डीपीएस स्कूल में अनेक घटनाएं दबी जुबान सुनाई पड़ती है, लेकिन 5 जुलाई की जो घटना घटी उस घटना में एक 4 साल के अबोध बालिका के स्वास्थ्य खराब होता है और उसके बाद उसके डॉक्टरी जांच की जाती है तो उसमें पाया जाता है कि उस लिखा हुआ है कि इसके प्राइवेट पार्ट में जख्म है, वो ठीक नहीं होता। और 15 दिन बाद 20 तारीख को बीएम शाह हॉस्पिटल में भी उसकी जांच होती है। ये बात धीरे धीरे पालकों के बीच में पहुंचती है तो 2 तारीख को 2 अगस्त को पूरे पालक वहां जाते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वहां पालक लोग प्रिंसिपल को घेर लेते हैं और प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने जांच की है और इसमें कोई अपराध नहीं पाया गया है, ये प्रिंसिपल कह रहे हैं। दूसरी तरफ जब बात चूंकि एसपी के 2 बच्चे भी वहां पढ़ते हैं, वो भी उसे सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि मैंने जांच की लेकिन कोई गलत नहीं पाया गया। और इस प्रकार की जो घटना है, घटना के मैं सोशल मीडिया के साथियों को और प्रिंट मीडिया के साथियों ने इसे लगातार उठाया। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जब ये माध्यम सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आने के बाद भी एसपी दुर्ग के संज्ञान में आने के बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते। पास्को एक्ट में सीधा प्रावधान है इसमें कि आपको पहले एफआईआर रजिस्टर करना है, उसके बाद जांच करना है। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। बहुत बेशर्मी के साथ एसपी दुर्ग ये कहते हैं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है और पालक भी एफआईआर नहीं चाहते। इसका मतलब यह है कौन ऐसा पालक होगा जिसके बच्चे के साथ इस प्रकार से दुराचार हो और वो जो अन्यायी है, जो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहेगा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो दबाव में है। इसमें जो आवेदक है वो आवेदन करे या न करे, यदि पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में बात आ गई तो सो मोटो उसको एफआईआर लेना था, और बिना एफआईआर के जांच कैसे हो गई। और न केवल पुलिस अधीक्षक के, पुलिस अधीक्षक ने पालक कैसे से भी कहा और उसके बाद पुलिस कार्यालय में भी पालकों की बैठक हुई और उसमें उन्होंने आश्वस्त किया कि इसमें इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। जो मीडिया में दुष्प्रचार किए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो एक अधिकारी, महिला अधिकारी जिन्होंने इसमें त्वरित कार्रवाई करने की बात कही थी, उसे भी दंडित करने की बात उस बैठक में कहा गया। ये सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको जानकारी मिली है, वो सारी कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। सोशल मीडिया में जितने भी चर्चा हुआ ये सब जानकारी है। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ये मामला शासन के भी जानकारी में आ चुका है। महिला बाल विकास विभाग के जो मंत्री हैं उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी ज्ञापन देते हैं, उसकी कॉपी भी हमारे पास है कि उसको दिखाया जाता है, दिया जा रहा है। मतलब सरकार के भी जानकारी में, जब एक मंत्री की जानकारी में आ गया तो इसका मतलब यह है कि सरकार के भी जानकारी में है। जब इतने महत्वपूर्ण जो घटना घटी उसके बावजूद भी ये वो काफी है। लक्ष्मी राजवाड़े जी की, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को जो ज्ञापन दिया गया वो काफी है। और जो उसके बाद उसमें जो सोशल मीडिया में है, जो एसपी के द्वारा जितने भी चैट किया गया जो पालकों के साथ, वो कॉपी भी है, सुशील आनंद जी शुक्ला के पास है। और दूसरी बात यह है कि इसे 2 डॉक्टरों ने जांच की,
और दोनों फाइंडिंग एक है तो सवाल इस बात का है, ये कॉपी अपने पास है दोनों कॉपी, लेकिन जब इतनी बात हो गई है तो डॉक्टरों के पैनल बना के इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई, मेडिकल बोर्ड से जांच क्यों नहीं कराया गया, और एसपी खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया। कभी एसपी पालक बन जाता है, कभी वो अधीक्षक बन जाते हैं, और कभी वो जज भी बन जाते हैं, उन्होंने फैसला भी दे दिया। और चूंकि शासन के नॉलेज में भी आ चुका है, ये 8 अगस्त की चिट्ठी महिला विकास मंत्री को दिया गया, उसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं की। आईजी के पास भी कॉपी दिया गया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया है, उसके बाद भी इसे दबा दिया गया है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सेक्शन 154 में, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, ये भी है। और दूसरा जो धारा 21 में मामला रिपोर्ट करने का अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड, कोई व्यक्ति को धारा 19 की उपधारा 1 के धारा 20 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, या जो धारा 19 की उपधारा 2 के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहता है, या किसी प्रकार के कारावास से जो 6 माह से तक हो सकेगा, या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा। ये स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी अधिकारी के संज्ञान में आने के बाद यदि उसमें एफआईआर नहीं होता तो उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर भी होगी और उसे सजा भी मिलेगी। और दुर्ग एसपी के संज्ञान में सारी बातें थी, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दंडित करने का भी पालकों के सामने वो बात कही, और साथ ही मीडिया को भी धमकाने की कोशिश की, गलत समाचार आप चला रहे हैं, जबकि दो दो मेडिकल अफसर के डॉक्टर के जो रिपोर्ट आने के बाद क्यों मेडिकल टीम बना के जांच नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि जैसे जानकारी मई पास को एक टेक आता है कि तत्काल आपको एफआईआर करना है और एफआईआर करके जांच करना है, उसके बाद फाइंडिंग में क्या आता है वो अलग मुद्दा है, लेकिन बिना एफआईआर के आपने जांच कैसे कर ली, और उसके बाद भी एसपी धमकाने की कोशिश मीडिया को भी और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी धमकाने की कोशिश, और गलत ढंग से जो पालक है उसे बरगलाने की कोशिश, ये किया है दुर्ग एसपी ने। बहुत गंभीर मामला है, एक तो एक्सटेंशन में वहां का प्रिंसिपल है और वो खुद भी सर्टिफिकेट दे रहा है, उसका वीडियो आपने देखा होगा, वो प्रिंसिपल भी सर्टिफिकेट दे रहा है कुछ नहीं हुआ, एसपी भी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, जबकि एक्ट कहता है संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ये काम नहीं कर रहे हैं, और इसलिए उनको तत्काल वहां से हटाया जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए, और ऐसे गंभीर मामले, क्योंकि 4 साल की छोटी बच्ची के साथ ये घटना घटी है, एक तरफ पूरे देश में जिस प्रकार से बलात्कार हो रहा है उसके पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, और यहां इस प्रकार की घटना संज्ञान में आने के बाद भी संवेदनशीलता तो दूर, लोगों को डराने धमकाने और दबाने की कोशिश की जा रही है जो बेहद दुर्भाग्यजनक। माननीय उपेश जी ने एक बेहद गंभीर मामला आपके ध्यान में लाया, विष्णु देव का सुशासन इतना नारा पूरे प्रदेश में लिखा गया है, 4 साल की बच्ची के साथ अपराध हो जाता है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसके कंधों में केवल सुरक्षा करने के लिए स्टार लगा हुआ है, वही अगर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का नहीं हो सकता।
दो डॉक्टरों के सर्टिफिकेट है लिखित, जो स्कूल का डॉक्टर है उन्होंने भी कहा है बाहर हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया उन्होंने भी कहा मेडिकल सर्टिफिकेट दो डॉक्टरों के होने के बाद भी। दुर्भाग्य ये कि सरकार के ध्यान में, महिला बाल विकास मंत्री के ध्यान में, अब खुद सत्तासीन पार्टी के लोगों के आवेदन के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, तो स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। प्रिंसिपल का पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? मामले को दबाने के लिए उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होना चाहिए? पालकों की मीटिंग में जब ये सारी बातें आ गई तो प्राचार्य को ये कहने का हक किसने दे दिया कि हमने जांच कर लिया? इस तरीके की अपराध का जांच क्या किसी स्कूल का प्रिंसिपल करेगा? अभी जैसे आदरणीय भूपेंद्र जी ने कहा कि माननीय पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं कि हमने जांच कर लिया, प्रेस को धमकाते हैं कि आप इस तरीके से अगर न्यूज देंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। इस देश में लोकतंत्र है, किसी के धमकाने और डराने से न प्रेस डरने वाला है न लोकतंत्र में काम करने वाले डरने वाले हैं। कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आप सुशासन के नाम पे छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिए। पुसौर में एक महिला के साथ 12-12 लोग एक साथ गैंगरेप करते हैं, कोरबा में गैंगरेप हो जाता है, अंबिकापुर में गैंगरेप हो जाता है, कवर्धा में गैंगरेप हो जाता है। प्रतिदिन आप मित्रों को मैं धन्यवाद दूंगा, पूरे छत्तीसगढ़ के जादूर पत्रकारों को, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन ये प्रकार की इस प्रकार के समाचार हमको देखने को नहीं मिलता। और रायपुर को, राजधानी को आपने अपराध का गढ़ बना दिया है, कैप्टन बना दिया है क्राइम का। कार्रवाई करने वाला कोई नहीं, यही सुशासन है। आदरणीय भूपेंद्र जी ने जो बातें कही ये बेहद गंभीर बात है। डीपीएस जैसे स्कूल में इस तरीके से घटना हो जाना, प्राचार्य और पुलिस अधीक्षक के द्वारा मामले को दबाने की कोशिश करना और सरकार के ध्यान में आने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना, मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं है। तत्काल बर्खास्तगी भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए और सरकार को संज्ञान में लेकर इस तरीके से होने वाले अपराधों को रोकना चाहिए। आदरणीय करण भैया, आज इस घटना में जो प्रमुख बातें जो सामने आई, इतना लिमिटेड स्कूल जहां पर बहुत जिम्मेदार लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां एक 4 साल की बच्ची के साथ में इस तरह से दुराचार होता है। दो दो डॉक्टरों के सर्टिफिकेट के बाद न तो प्रिंसिपल के द्वारा कोई कार्रवाई की गई, पालकों की बैठक में इस बात को सामने लाने के बाद भी, मंत्री के भी सामने इन बातों को लाने के बाद भी, पुलिस एसपी के भी सामने इन बातों को लाने के बावजूद भी इस मामले को पूरी तरह से ये सरकार रफा दफा करने के चक्कर में है, पूरी तरह से इस प्रकरण को दबाने के इस चक्कर में है। तो मांग करते हैं शासन से इस विषय पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रचार भी बहुत बड़ा दोषी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी स्कूल में ये घटना घटित हुई है तो प्रचार को भी तत्काल टर्मिनेट किया जाए, वहां से हटाया जाए। पुलिस अधीक्षक भी और भी सबसे बड़ा दोषी है, पास्को एक्ट के अंतर्गत उनको सो मोटो अपना अपराध कायम करना चाहिए, उसके बाद जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी अभी तक घटना के महीनों बीत जाने के बावजूद भी नहीं हुई है। ये इनकी हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल पुलिस अधीक्षक को भी वहां से हटा करके उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। आप लोगों तरफ से कोई सवाल हो? 5 तारीख की घटना है, 5 जुलाई की, 2 तारीख को पास्को का कोर्ट हुआ वहां पे, 3 तारीख को एसपी
एसपी दुर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस प्रकार की कोई घटना आगे नहीं हुई। मैंने स्वयं जांच की, इसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सीधी बात यह है कि आपका प्रश्न बहुत गंभीर है और बात दूसरी तरफ जा रही है, क्योंकि वो बात बिना प्रमाण के मैं नहीं कर सकता, लेकिन सुनने में बहुत कुछ आया है। तो अब बिना प्रमाण की कोई बात आज तक मैंने कही नहीं है, मैं कहूंगा भी, लेकिन ये पूरे मामले दबाने के लिए बहुत कुछ हुआ है। ये एक तरफ तो बंगाल की जो घटना हुई इस पर राष्ट्रपति जी अफसोस जता रहे हैं, एक तरफ की घटना में कार्रवाई का नहीं हो पाई। सीधी बात है कि ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी भी दिखाई दे रहा है और विष्णुदेव सहायक सरकार भी दिखाई दे रहा है। सरकार के भी संज्ञान में है, पुलिस के संज्ञान में है, सबके संज्ञान में है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करना, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है कि आपको तुरंत इसमें FIR दर्ज करना है और जांच करना है। दोनों काम आपने नहीं किया, इसका मतलब यह है कि सरकार भी इसमें दोषी है। क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं की? जहां अपराध हुआ है उसी की बात करें। देखिए, घटनाएं घटती है और घटनाएं घटती है तो उसमें न्याय होना चाहिए। यहां जांच FIR ही नहीं होता और सीधा फैसला सुना देते हैं। फैसला सुनाने का काम आजकल भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये आम चलन हो गया है कि न्यायपालिका के काम को खुद करने लगे। इस मामले में भी SP दुर्ग ही जज बन बैठे, उन्होंने फैसला सुना दिया। अरे, आपका काम जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जो संविधान जो कहता है, CRPC की जो धाराएं हैं उसके तहत आपको तत्काल FIR करना था और उसमें जांच करना था, टीम बनाना था, मेडिकल टीम बनाना था। आपने कुछ नहीं किया और खुद फैसला सुना दिया, इसमें कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसमें तुर्रा ये कि जो मीडिया जिन्होंने उठाया उसको धमकाने की कोशिश, उस पर कार्रवाई करूंगा। अब मैं SP से पूछना चाहता हूं कि अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की है मीडिया हाउस पे, जो प्रिंट मीडिया चलाया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाया उसमें क्या कार्रवाई किया? आपने पालकों को कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, संबंधित अधिकारी जो अधीनस्थ उसके अधिकारी उसको भी धमकाया, उसमें भी कहा गया पालकों के बीच में कि उसके खिलाफ में कार्रवाई करूंगा, क्या कार्रवाई किया? तो कुल मिला के आपका लीपापोती करने का उद्देश्य था और लीपापोती करने जो किया है, क्यों किया है, जो आपका पहला सवाल है, ये भी जांच का विषय है। देखिए, मैं पालक से मिलने की कोशिश की, मिलने के लिए मैं प्रयास किया, तो सबसे पहले बातचीत, तो जो जिनके परिचित हैं उनसे बातचीत किया, उन्हें फोन किया कि वो बोले मैं मिलूंगा नहीं, मैं फोन में बात करूंगा। और मैंने कहा फोन में बात करा दीजिए, उसके बाद उसको मोबाइल स्विच ऑफ। इसका मतलब ये है कि उसके पेरेंट्स कितने दबाव में हैं, कितने डरे हुए हैं। ये बात भी है, SP दुर्ग और BSP मैनेजमेंट के दबाव के चलते वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, किसी से मिलने को तैयार नहीं है। अब सोचिए, जिसके बच्चे के साथ इस प्रकार से दुर्घटना हुई है, उसके साथ दुराचार हुआ है, उसको TC तक नहीं दे रहे हैं प्रिंसिपल। 5 जुलाई की घटना है, आज 30 अगस्त, और अभी तक के वो बच्ची स्कूल नहीं जा रही है, TC मांग रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि TC मांगने पर प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि घटना को उल्लेख मत करिए। भाई, कोई TC चाहेगा अपने बच्चे का, अभी मिड सेशन है और इसमें यदि कोई TC चाहे तो कारण तो बताएगा भाई। तो उन्होंने घटना को उल्लेख कर दिया तो बोले उसको हटाओ तब आपको TC मिलेगा। मतलब उस बच्चे के साथ एक तो दुराचार हुआ, वो दहशत में अलग है,
स्कूल जाना नहीं चाहती, पालक अब किंग करते विमूड, वो टीसी भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये विष्णुदेव साय का सुशासन है, ये स्थिति है। तो अब सोचिए कोई कैसे मिल पाएगा उससे, ये स्थिति है। प्रवीण चौबे जी ने पिछले बार उत्तर प्रदेश का उदाहरण प्रस्तुत किया और विजय शर्मा जी अध्यक्षता पार्टी के आयर प्राण नेता माने जाते रहे थे, तीन विभाग के साथ कहां तक न्याय कर पा रहे हैं भाई? ये तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। विजय शर्मा सुशासन तो नहीं कहा जाता, विष्णु का सुशासन। तो जो विष्णु का सुशासन वो दिख रहा है, उसमें विजय शर्मा भी है और दूसरे नेता भी है भाई। जैसे महिला बाल विकास मंत्री को उन्होंने ज्ञापन दिया तो पूरे मंत्रिमंडल के संज्ञान में आ गया, क्योंकि मंत्रिमंडल के सामूहिक नेतृत्व है। तो सामूहिक नेतृत्व है तो फिर आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? सवाल इस बात का, सरकार की जानकारी में आ गया। इतनी बड़ी बात तो सबसे पहली बात तो है कि एसपी के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, उसे तत्काल वहां से हटाया जाना चाहिए और उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए, जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए, नहीं तो फिर दबाएंगे। हाई कोर्ट के सिटिंग जो जज है उसके देखरेख में जांच कराए, नहीं तो बहुत सारे जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो जाएंगे न्यायालय में, क्योंकि इतनी बड़ी बात है, वो रुकेगा तो नहीं, छुपेगा तो नहीं। जी ये जब पीड़ित परिवार ही सामने नहीं आ रहा है, वो शिकायत ही नहीं करना चाहता, ऐसे में ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? जब उनकी ओर से शिकायत नहीं है तो कौन इसमें पार्टी बनेगा? इसमें क्या कहा है, ऐसे प्रकरण में कोई परिवार दबाव में आ जाए, किसी को जानकारी नहीं है कानून की, अज्ञानता भी होती है। अभी भारतीय न्याय संहिता वगैरह तीन तीन बदले हैं, अभी सारे पत्रकारों को पता है कि नई धारा 420, पहले 420 बोलते अब क्या बोलते हैं नहीं मालूम है ना, अब धाराएं बदल गई है। तो अज्ञानता भी है, मतलब कानून के बारे में, मैं किसी का अज्ञानी नहीं बोल रहा हूं, बहुत लोग नहीं जानते। और दूसरी बात ये दबाव, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया है कि सो मोटो आपके जानकारी में आ गया है, आपको करना है, मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा 154 में, ये मैंडेटरी है आपको FIR दर्ज करना, उसके बाद जांच करेंगे। और ये समाज का मामला है, वो केवल एक पिता की बेटी नहीं है, वो पूरे समाज की बेटी है। और यदि उसका है, इसीलिए देखिए घटना के बारे में मुझे पहले से जानकारी हो गई थी, पालक लोग भिलाई जैसे प्रबुद्ध नागरिकों का शहर है, सारे BSP के वर्कर हैं, उसके बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे लोग ये मामले को उठाए, वो सब पालक गए, हजारों की संख्या में गए, आप वीडियो देखेंगे सब कुछ दिख रहा है, वो सब जानकारी में थी। लेकिन जिस प्रकार से SP ने उसको काउंटर किया और सब मामला रफा दफा कर दिया, दबा दिया और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया को भी, और जो अधिकारी सही मामले को उठा रहे हैं उसको भी डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कारण से आज ये मामला अब मंत्री भी हो गया, तो मंत्रिमंडल क्या कार्रवाई कर रही है, महत्वपूर्ण बात है। मैं तो पहले मीडिया के सामने बताया, अब इस मामले में पालक लोग आंदोलन कर चुके हैं, अब हमारे सब सीनियर नेता लोग हैं, बैठ के आगे की रणनीति भी करेंगे, न्यायालय जाने के भी काम, और सरकार पे दबाव डाले, सरकार यदि कार्रवाई करते तो न्यायालय क्यों जाए? जी रोहित, लगातार आप कह रहे हैं इस मामले में जानकारी आपके लगे, इसको संरक्षण देने के लिए जो आपके लिए प्रेशर क्रिएट किया है, इनको संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं जिनको बचाने? सीधी बात है, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल, भिलाई मैनेजमेंट, क्योंकि भिलाई मैनेजमेंट के जो ED सहित तमाम जो आला अफसर है उसके सदस्य हैं, नंबर एक। नंबर दो प्रिंसिपल, वो एक्सटेंशन में चल रहे हैं अवैध रूप से। तीसरा SP, इसके भूमिका सबसे ज्यादा संदेहास्पद है, जिसके कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी है वही सारे लीपापोती कर रहे हैं, कभी पालक, कभी अधीक्षक, कभी जज बनने की कोशिश, और कभी गुंडा बन के आपको धमकाने की कोशिश। मैं उस दिन भाषण में जो 24 तारीख के जो भाषण में गुंडा शब्द प्रयोग किया था SP के खिलाफ, वो इसी कारण से किया था कि मीडिया को धमकाने की कोशिश।
ये गुंडा शब्द इसलिए मैंने प्रयोग किया था। देखिए जब आप संविधान प्रदत्त जो जिम्मेदारी मिली है उसके तहत काम नहीं करते, मैंने इसी शुरुआत में उल्लेख किया, मंत्री के जेठ शराब पी रहा सार्वजनिक जगह में और कांस्टेबल यदि उसे रोकने की कोशिश करता है, कांस्टेबल लाइन अटैच हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यदि पूर्व मुख्यमंत्री रास्ते में जा रहे हैं उसको बलात् रोका जा रहा है जेठ सुरक्षा के बाद और उसको पुलिस संरक्षण दे, रेत खदान लगातार चल रहा है, रात रात में अभी बरसात के दिन है, नदी में भरा हुआ है, दिन रात चल रहा है, दिन रात गाड़ियां चल रही है, वो किसके संरक्षण में हो रहा है, पुलिस आंख मुंह बैठी हुई है। शराब के मामले मैंने उदाहरण दिया, दो उदाहरण दिए, एक राजनांदगांव का, दूसरा एक बीरगांव दोंदे का, सब आंख मुंह बैठे हुए हैं, रोज चाकूबाजी हो रही है, हत्या बारे में लगातार जो बलात्कार उसके उल्लेख किया, इसका मतलब यह पुलिस अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, इस कारण से ये स्थिति बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे उसके समर्थक लोग हों, उनके दबाव के चलते ये फैसला किया जा रहा है। एक बढ़िया घटना इसी मामले में, जब मुझे रोका गया तो पुलिस ने पूछा, ये जिला अध्यक्ष भी हैं और महापौर भी हैं निर्मल कोसले, आपके पास कोई एविडेंस है तो हमको दीजिए, उन्होंने कहा एविडेंस है आपको देते हैं, वो वीडियो फुटेज था उसको ले जाके दे दिए, अब इसमें कौन कौन है आइडेंटिफाई करके दो, जबकि वो सारे लोग विजय शर्मा के बड़े खास लोग हैं, सीधा फोन करते हैं उसे, थानेदार उनके आवभगत करते हैं, एसपी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और बोलते हैं इसको आइडेंटिफाई करके दो, और ये जाके 48 घंटे का नोटिस देते हैं, नहीं करते तो वो जो आरोपी है उसको उठा के हमारे जो सभापति है कृष्णा चंद्राकर, वो उठा के लाके थानेदार को देते हैं, तो बोले आप कानून हाथ में ले रहे हो, जबकि नया जो कानून आया है उसमें यह है कि यदि आप आरोपी अपराधी आपके नजदीक है तो आप थाना में आप लाके उसको थानेदार को दे सकते हैं। इस मामले में क्या केस लगाया पुलिस, किस दबाव में, देखिए दबाव में क्या केस लगाया, अपहरण का केस लगाया और लूट का, और कल परसों की बात है नजरुल नाम के व्यक्ति से पकड़ के पुलिस कोर्ट में ले गई, तो वहां जो कमेंट पास हुआ उसमें कहा कि यदि आरोपी को थाने में ले जाके आपके सुपुर्द कर रहा है तो ये अपहरण का केस कैसे बनता है, पुलिस अपहरण का केस बना के ले गई और 10,000 के मुचल के उसको छोड़ दिया गया, कितना बड़ा तमाचा है यहां की पुलिस पर, ये स्थिति है। सर एक सवाल है, आप बार बार एसपी का इस तरीके से एसपी पहचाना आगे किसको चाहिए, क्योंकि एसपी पूरी घटना में आपने बताया 5 जुलाई से लेकर अभी तक उसके परिवार को धमकाया, उसके बाद पत्रकारों को धमकाया, उसके बाद आगे तो एसपी इतनी मुख्य भूमिका में इसमें किस तरीके से उनके दोनों बच्चे पढ़ते हैं इस वजह से या उसके पीछे। देखिए मैंने पहले कहा भिलाई मैनेजमेंट नेक्सस, देखिए भिलाई मैनेजमेंट है, बीपीएस के जो प्रिंसिपल है वो है, और तीसरा जो मामला है वो कहीं न कहीं लेन देन का है जिसकी जांच होनी चाहिए। एडिशनल एसपी जांच कर रहे हैं सर, एक केस सेंट का कहना था, मेरे एक केस सेंट का पूरा जो मामला है आपके जब मैं टेस्ट हुआ गया जब एसपी जांच कर चुके हैं बोले तो एडिशनल एसपी का मामला कहां बनता है, एसपी जब जांच कर लिया तो एडिशनल एसपी की भूमिका कहां आ जाता है, और जिस श्रीमान जी के नाम लिए हैं तो कम से कम हम लोग बख्श दें उसके कमेंट जी। भैया देखिए आप यदि इसको मीडिया का दबाव, मीडिया इसको ठीक ढंग से चला ले, मैं आपको आग्रह ही कर सकता हूं, देखिए सरकार कैसे दबाव आती है उस बच्चे को, उस परिवार को कैसे न्याय मिलता है, मैं तो आपसे केवल आग्रह ही कर सकता हूं। जिम्मेदारी क्योंकि आपको ही धमकाया गया है, एसपी दुर्ग ने आपको धमकाया है मीडिया को,
सोशल मीडिया मतलब प्रिंट मीडिया को भी धमकाया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी धमकाया है, मैं काफी दिखा दे सकता हूँ। हाँ प्रिंसिपल भी किया। अब वो क्यों नहीं किए, ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।